मध्य प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। शिवपुरी जिले में बारिश की वजह से मोहनी सागर डैम का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। नदी के पास रहने वाले ग्रामीण परेशान हैं। इसी को देखते हुए आज हमारी फास्ट समाचार की टीम ने बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बांध पर स्टाफ उपस्थिति में लापरवाही सामने आई है। जब टीम ने निरीक्षण किया तो दफ्तरों की पोल खुल गई, कई जगह ताले लटके मिले। कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं मिला। सवाल उठता है कि जब बांध जैसे जगह पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकारी दफ्तरों में आम लोगों के कामकाज समय पर नहीं होने की शिकायतें आना आम है। दफ्तर भी नियमित रूप से समय पर नहीं खुल रहे, जबकि बांध पर 3-3 SDO इंजीनियर अन्य कर्मचारी पदस्थ हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि साहब लोग अपने घर चले जाते हैं, इस कारण आज कोई मौके पर नहीं मिला। जिम्मेदारी हमारे BS तोमर और रवि शर्मा जी। ये किस पद पर हैं? रविन शर्मा जी SDO हैं और BS तोमर सब इंजीनियर। ये अभी मौके पर मौजूद नहीं है क्या? कहीं मौके पर मौजूद तो थे, लेकिन अभी वो पाइप जो उसका हाइड्रो वहाँ पाइप का कार्य चल रहा है तो उसको अभी सब साइज नाप नहीं है। और कौन कौन कर्मचारी पदस्थ हैं? और मतलब और एक रजनीश तिवारी हैं जो यहाँ अमीन के पोस्ट पे हैं, उनकी 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। वो उनकी स्थिति अभी आज वो आई नहीं है। अगर इस समय जिस तरह अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, इस समय अगर कोई हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हेडक्वार्टर एक दो किलोमीटर दूर है सर। नहीं, 1 किलोमीटर।